नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नाइन न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। और प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में पेश कर दिया है। और बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। गुरुवार और शुक्रवार को इस पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। आप देखिए बजट पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि विरासत में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र 6 माह में पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए वर्ष 2019 के शुरुआती माह में आदर्श आचार संहिता भी लागू रही। इसके बावजूद सरकार ने अपने वचनों को निभाना शुरू कर दिया है। सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए हैं। इसके पहले बजट भाषण शुरू होने के पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र शुरू होने की अवधि निर्धारित हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम एक आदेश के जरिए बढ़ा दिए। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं का शरण निरूपित करते हुए कहा कि अध्यक्ष को इस संबंध में व्यवस्था देना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रुपए कम कर दिए। हाल ही में पेश किए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। इसके चलते सरकार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। वहीं अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपनी व्यवस्था में कहा कि बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। उन्होंने सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही संचालित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है। इंदौर की खान नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की जाएगी। जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है। पुजारियों के लिए भी विशेष कोष बनाया जाएगा। मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा और साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 18 से 19 अक्टूबर को मैग्निफिशेंट एमपी का आयोजन इंदौर में होगा। इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई है। वहीं 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। देश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी। रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। प्रदेश सरकार ने 30 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है और फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस होगा। साथ ही महिलाओं के लिए ई रिक्शा योजना लाई जाएगी। किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी। बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी सरकार ने दिया है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी। प्रदेश में 3 नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे। अल्पसंख्यक आयोग और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया जाएगा और इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे के साथ ही सैटेलाइट सिटी बनाई जाएगी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में वर्ण यूनिट बनाई जाएंगी। ANM और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पद भरे जाएंगे। भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए और इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है। कृषक बंधु योजना भी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हर वर्ग को हमने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। युवा, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने एमपी के साथ विश्वघात किया है। बजट में 2700 करोड़ की कटौती की गई है। हमारी सरकार को इसकी भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे।